नमस्ते सत श्री अकाल सबको, दिस इज साहिल गौरी और आज की वीडियो होने वाली है यार उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी तैयारी फिजिक्स में बहुत ज्यादा कम है, तो उनके लिए यार आज पूरा डिटेल में बात होने वाली है। या फिर वो स्टूडेंट्स भी सुन सकते हैं जिनकी तैयारी यार हो चुकी है पूरी, ताकि उनको रिविजन में हेल्प मिल जाए। तो यार ये वीडियो पूरी की पूरी जरूर देखना और यार ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी। तो यार जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जल्दी वो लाल कलर का बटन दबा दो और यार साथ के साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और यार फिजिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, तो वो जरूर चेकआउट कर लेना। तो यार बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पे स्टार्टिंग में आप लोग को दिख रहा होगा स्टार यार इजी को डिनोट करेगा, जिस भी चैप्टर के आगे स्टार लगा हुआ है मतलब वो इजी के डिग्री के अंदर आता है, और जिसके आगे हैश लगा है वो मीडियम के डिग्री में, और जिसके आगे डॉलर लगा है वो हार्ड कैटेगरी में। तो मैंने यार यूज किया या फिर तो आपका स्टार जो इजी कैटेगरी में आते हैं, या फिर आपका स्टार और हैश जो इजी मीडियम दोनों में आते हैं, या फिर आपकी तीनों कैटेगरीज जो चैप्टर्स तीनों कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो यार स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्लास 11th के बारे में बात करेंगे और उसके बाद क्लास 12th के बारे में। तो अगर आपको सिर्फ क्लास 12th के बारे में देखना है तो यहाँ पे आपका यार टाइम स्टैम्प आ रहा होगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे मूव ऑन कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए आपका क्लास 11th के स्टार्टिंग के दो चैप्टर्स जो होते हैं फिजिकल वर्ल्ड और यूनिट एंड मेजरमेंट, ये यार बहुत ज्यादा इजी चैप्टर्स रहते हैं। तो सबसे पहले यार इजी चैप्टर्स की बात करेंगे, ये दोनों बहुत ज्यादा इजी चैप्टर्स हैं। और यार फर्स्ट चैप्टर तो एज सच उसके अंदर कुछ पढ़ने को है नहीं, सेकेंड चैप्टर में अगर हम मूव ऑन करें तो ऐसे यूनिट्स वगैरह आपको पता होना चाहिए, बट इसके ऊपर इतना क्वेश्चन नहीं आता ऐसे यूनिट्स पे, बट स्टिल यार आप लोग एक बार पढ़ लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। एब्सोल्यूट एरर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स और डायमेंशनल एनालिसिस, ये यार चार टॉपिक हैं जो इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं, इसके अलावा कुछ और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट मूव ऑन करें थर्ड चैप्टर पे, ये भी आपका इजी कैटेगरी में आएगा, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे आपको एवरेज वेलोसिटी स्पीड के बारे में पता होना चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड ये पता होना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये चीज यार आपको पूरी अच्छे से होनी चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी, काइनेमैटिक इक्वेशन जो तीन इक्वेशन होती है उसके ऊपर अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, प्रैक्टिस कर रहे होनी चाहिए यार काफी सारे क्वेश्चंस, क्योंकि उनके ऊपर क्वेश्चंस यार 100% श्योर होता है। तो यहां से आपको दो क्वेश्चंस जरूर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करें अगर चैप्टर 4 पे, मोशन इन ए प्लेन, यहाँ पे यार रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो आप साइन थीटा कॉस थीटा में ब्रेक करते हो एक वेक्टर को, वो चीज पता होनी चाहिए अच्छे से आपको, पता होनी चाहिए कि कैसे किस साइड ब्रेक होएगा यार वो वेक्टर, और फिर फर्दर मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ पे आपको सारे फॉर्मुलेज वगैरह इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए, इसके ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन पे। नेक्स्ट अगर मूव ऑन करें लॉज ऑफ मोशन, यार काफी बच्चों को मुश्किल लगता है बट इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इजी आते हैं, और ये चैप्टर भी ना बहुत ज्यादा इजी है, आपको इतना ज्यादा नहीं सोचना है। इसके अंदर अगर आप FBD बना लोगे यार फुल बॉडी डायग्राम, बहुत ज्यादा इजी हो जाता है आपका क्वेश्चन। और यार जो इसके मेन टॉपिक्स हैं उसकी बात करें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये आपको पता होना चाहिए तीनों के तीनों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर आपको क्वेश्चन दिखने को मिल सकता है, सर्कुलर मोशन एक बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो चीज जरूर करके जाना। और साथ के साथ यार आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इस चैप्टर के रिगार्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर की अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होती है तो एक काफी सारे चैप्टर्स या काफी सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देता है। नेक्स्ट मूव ऑन करें अगर चैप्टर 6 पे, वर्क पावर एनर्जी, तो ये भी एक बहुत इजी चैप्टर की कैटेगरी में आता है आपका। इसके अंदर टॉपिक्स देखें तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनके फॉर्मूलेज, इनके रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपको यार अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, आपको जरूर एक ना एक क्वेश्चन दिख जाएगा। नेक्स्ट आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, चांसेस 50-50 में बोलूंगा बट आपको जरूर प्रैक्टिस कर लेना है। कोलिजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर से आपको जरूर कोलिजन के ऊपर एक ना एक सम जरूर मिलेगा, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना और इसके ऊपर प्रैक्टिस भी आप लोगों को करनी है। नेक्स्ट चैप्टर आपका ग्रेविटेशन, चैप्टर नंबर 8, इसके अंदर भी यार ज्यादा चीजें नहीं है, आपके कुछ ही फॉर्मुलेज हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करना है और उनके रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और आपका ये चैप्टर हो जाएगा मोस्टली। इनके रिगार्डिंग यार कुछ टॉपिक्स की बात करूं जिसमें थ्योरी वगैरह भी आपको क्लियर रखनी है, कैप्लर्स लॉ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए आपको, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी,
साथ के साथ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ये यार कुछ फॉर्मुलेज वगैरह सारे आप कर लेना अच्छे से और इनके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स भी, तो ये आपके यहाँ पे हो जाएंगे यार इजी कैटेगरी वाले सारे चैप्टर्स खत्म। अब स्टार्ट होते हैं जो इजी और मीडियम कैटेगरी अंदर आते हैं, तो वहां पे सबसे पहला चैप्टर देखें तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यहाँ पे ये आपका कुछ कुछ केमिस्ट्री के स्टेट्स ऑफ मैटर से यार सिमिलर है, आइडियल गैस इक्वेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैलोरीमीटर, लेटेंट हीट और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये यार कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इसके रिगार्डिंग थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स या फिर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो ये चैप्टर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। इसके अंदर जो मीडियम कैटेगरी में डालने की वजह है वो यही है कि बच्चे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, तो आपको कंफ्यूजन नहीं लेनी है, सिंपल यार रीडिंग लेना एनसीईआरटी की, आपको क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट। अब फर्दर देखें थर्मोडायनेमिक्स, वैसे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से आपके इजी और मीडियम टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपको केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलता है चैप्टर और ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो ये चैप्टर भी आपको अच्छे से करना है। इसके टॉपिक्स देखें तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन, कार्नट इंजन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये जरूर कर लेना। बाकी आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो वो यार वहां से क्लियर हो जाएगा, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट मूव ऑन करें आपके चैप्टर 13 पे, काइनेटिक थ्योरी, ये भी इजी मीडियम कैटेगरी में आता है, ज्यादा टॉपिक्स नहीं है यहाँ पे तो इसको भी आप इजीली कवर कर सकते हो। बिहेवियर ऑफ गैस, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, मीन फ्री पाथ और आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये यार कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर करने हैं और ये करने के बाद आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग भी देख लेना है। न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा लाइक आते हैं यार फिजिक्स में, तो आपको उनके अंदर अच्छी ग्रिप रखनी है। नेक्स्ट अब यार आपके स्टार्ट हो जाते हैं जो इजी, मीडियम और साथ के साथ आपके हार्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये यार कुछ टॉपिक्स बोलूं तो आपका रोटेशनल वगैरह हो गया, फ्लूइड्स, SHM, ये सारे टॉपिक्स यार आपके इजी, मीडियम और हार्ड कैटेगरी तीनों में आते हैं। सबसे पहले बात करें रोटेशनल मोशन के बारे में, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास वगैरह के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स अच्छे से आपको करने हैं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पक्का फिक्स रहता है, तो आपको ये जरूर करके जाना है। परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ज्यादा मुश्किल नहीं होते तो ये जरूर प्रैक्टिस कर लेना। रोलिंग मोशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये भी जरूर करना है। इसके रिगार्डिंग आपको मोस्टली एक क्वेश्चन दिखता ही दिखता है, मोस्टली वो क्वेश्चन इजी रहता है बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर वो पढ़ के नहीं जाते तो वो सॉल्व नहीं कर पाते, तो यार आप इसको भी जरूर पढ़ लेना, इजीली सॉल्व कर पाओगे आप लोग। अब नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करते हैं, चैप्टर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो ये पूरा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बट मैं जो टॉपिक्स बता रहा हूं वो यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन दोनों टॉपिक्स के अंदर से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। एक तो है आपका बर्नौली प्रिंसिपल, जिसके रिगार्डिंग जो भी आपकी इक्वेशन बनती है उसके ऊपर आपको अच्छे से प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस करनी है। सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, इनके फॉर्मुलेज वगैरह अच्छे से याद रखने हैं, क्या क्या उनकी वैल्यूज रहती हैं सब कुछ याद रखना है यार दिमाग में, इनके ऊपर आपको जरूर एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बाकी ये चैप्टर आपको पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अगर आपको इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो। अब यार फर्दर मूव ऑन करें ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन भी यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इस चैप्टर में से आपको दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो SHM और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। एनर्जी इन SHM क्या होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, साथ के साथ सारे फॉर्मुलेज, ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग, सिंपल पेंडुलम, ये सारी चीजें आपको क्लियर रखनी है अपनी माइंड में यार, सारे फॉर्मुलेज वगैरह याद रखने हैं। तो यहीं पे यार आपका क्लास 11th पूरी होती है और आपको ये पूरी अच्छे से टॉपिक अगर आप कर लोगे क्लास 11th के, तो यार आप मोस्टली क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे। बाकी यार आपके बेसिक्स वगैरह अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब यार फर्दर मूव ऑन करते हैं अपने क्लास 12th के ऊपर। क्लास 12th में सबसे पहले हम बात करेंगे इजी टॉपिक्स की, फिर इजी और मीडियम, और फिर वही आपका इजी, मीडियम और हार्ड कैटेगरी की। सबसे पहले बात करें इजी कैटेगरी, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर 1 जो है आपका, उसके अंदर कूलम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट्स, ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए, इसका फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए आपको, इसको यूज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है न्यूमेरिकल्स वगैरह में, ये सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए तभी यार सॉल्व कर पाओगे। इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यार बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसके बारे में, तो ये जरूर कर लेना। गॉस लॉ के ऊपर सारी एप्लीकेशन वगैरह जो भी होती है यार वो आपको याद होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग यार डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो यार ये आपका हुआ चैप्टर 1।
फर्दर मूव ऑन करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे, तो ये आपका इजी कैटेगरी में ही आता है। इसके अंदर अगर टॉपिक्स की बात करूं तो वैसे तो पूरा चैप्टर ही आपका इंपॉर्टेंट है, बट कुछ कुछ चीजों की बात करूं तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। इन तीनों टॉपिक्स के रिगार्डिंग आपको पक्का एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा, तो ये जरूर आपको प्रैक्टिस करके जाना है। फर्दर अब यार मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, चैप्टर 3 आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी इजी ही आता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बच्चों को थोड़ा बहुत मुश्किल लगता है इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। इसके अंदर टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं ओम्स लॉ वगैरह के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर सेल्स और जो भी यार आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह बनते हैं उसके ऊपर आपको पूरा प्रैक्टिस होनी चाहिए। किरचॉफ लॉ के ऊपर आपको पक्का एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, इनकी इक्वेशंस वगैरह जो भी आपके फॉर्मुलेज होते हैं सारे आपको याद रखने हैं, ताकि आपको यार वहां पे ज्यादा दिक्कत ना होए और आपको पक्का इनके ऊपर यार एक ना एक क्वेश्चन मिलता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट अगर हम इजी चैप्टर देखें तो आपकी मॉडर्न फिजिक्स में जो भी चैप्टर्स आते हैं वो सारे अब इजी कैटेगरी में आते हैं। तो चैप्टर 11 जो है आपका ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स, वो बहुत ज्यादा इजी मान जाता है। इनके अंदर टॉपिक्स की बात करूं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, सर ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। इसमें से यार कुछ कुछ चीजें आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होंगी, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इस चैप्टर के अंदर। फर्दर मूव ऑन करें तो नेक्स्ट चैप्टर आपका एटम्स, वो भी बहुत ज्यादा इजी होता है यार। उसके अंदर टॉपिक्स की बात करूं तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा, बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर्स पोस्टुलेट्स वगैरह, ये सारी चीजें आपको जरूर पढ़ के जानी है। थोड़ी बहुत थ्योरी है यार, बट आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है और डायरेक्ट आप यार स्कोर कर पाओगे इन चैप्टर से, तो यार जरूर इन चैप्टर्स को पढ़ लेना। थोड़े टॉपिक्स यार आपकी केमिस्ट्री से भी मिलते जुलते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत आसानी भी होगी इन चैप्टर्स को पढ़ने में, तो यार जरूर एक बार पढ़ लेना। फर्दर देखें नेक्स्ट चैप्टर तो आपका न्यूक्लियर, न्यूक्लियर बर्निंग एनर्जी, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव डिके, और यार कुछ फॉर्मुलेज वगैरह भी हैं वो चीजें आपको देख लेना। उनकी यार थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करने की जरूरत है क्योंकि इजी क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट बिल्कुल, तो वो चीज भी आपकी कवर हो जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर देखें अगर सेमीकंडक्टर्स, तो यार यहाँ पे आपका ये पूरा चैप्टर थोड़ा बहुत रट्टा मारने वाले टाइप में आता है, बट आपको ये चैप्टर भी करना है क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप इसको यार अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ के करोगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। इनके अंदर टॉपिक्स की बात करूं तो इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस दोनों में यार, जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, फिर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट्स पे आपको जरूर एक नया क्वेश्चन मिलता है, तो यार वो चीज आपको जरूर करनी है। बाकी टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये सारे टॉपिक्स कर लोगे तो ये आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो यार जो आपका लास्ट चैप्टर बचता है इजी कैटेगरी का वो है कम्युनिकेशन सिस्टम। उसके अंदर अगर हम टॉपिक्स देखें तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव्स और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये सारे यार आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। साथ के साथ यार एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ऊपर आपको ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, तो वो टॉपिक आपको जरूर अच्छे से पढ़ना है। अभी आप फर्दर मूव ऑन करेंगे आपका इजी और मीडियम कैटेगरी वाले चैप्टर्स के ऊपर। आपका जो सबसे पहला चैप्टर है वो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ पे जो आपको टॉपिक्स कवर करने हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, साइक्लोट्रॉन, एम्पियर सर्किट लॉ, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसके रिगार्डिंग फॉर्मूले याद कर लेना और प्रैक्टिस भी जरूर कर लेना, यहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, तो ये टॉपिक अगर आप करोगे एक आपका चैप्टर जरूर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखें तो आपका टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का फॉर्मूला वगैरह अच्छे से याद कर लेना, उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस की, वहां से भी यार आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये हुआ आपके चैप्टर 4 के टॉपिक्स। फर्दर देखें तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे तो आपको सारा पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में, बट कुछ जो टॉपिक्स के मैं नाम लूंगा वो अगर आप कर लोगे तो आपका यार एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आपको। हिस्टेरेसिस लूप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जरूर कर लेना। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक वगैरह ये सब आपको पता होना चाहिए। कैसे पता लगता है कि ये डायमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग यार आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो यार ये सारे टॉपिक्स होके आपके इस चैप्टर के। फर्दर मूव ऑन करें अगर आपके नेक्स्ट चैप्टर पे, तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको यार सारी चीजें इसमें पढ़नी पड़ेंगी, बट जो मेन मेन टॉपिक्स है, मतलब मेन तो क्या बोलूं, वैसे तो इन टॉपिक्स में इस पूरा चैप्टर ही कवर हो जाता है, बट स्टिल मैं आपको बताता हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, लेंज लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो चीज आपको जरूर करनी है, उसका कॉन्सेप्ट जरूर समझ लेना यार। साथ के साथ मोशनल ईएमएफ, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसके रिगार्डिंग जो आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह थोड़े बहुत बनते हैं वो भी प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट, इसके अंदर आपको आरसी, एलसी, एलआर, एलसीआर सर्किट, इसके बारे में यार फॉर्मूलेज डायरेक्ट याद कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फर्दर देखें एलसी ऑसिलेशन, पावर फैक्टर, रेजोनेंस एंड शार्पनेस, ट्रांसफॉर्मर्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वैसे तो पूरा ही चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, बट ये कुछ टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो आप ये टॉपिक्स यार जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हो। फर्दर अगर हम बात करें चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहाँ पे ज्यादा मैंने आपके टॉपिक्स नहीं बताए क्योंकि ये सारे यार चैप्टर्स जो 12th के आते हैं ना वो आपको पूरे आने चाहिए, बट यहाँ पे मैंने जो भी आपके टॉपिक्स बताए हैं इनमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा जिससे आप कुछ ना कुछ जरूर स्कोर कर पाओगे इन लास्ट के दिनों में, आपकी रिवीजन भी कर सकते हो आप ये टॉपिक्स, अगर आप देख लोगे आपको सब कुछ माइंड में आ जाएगा ध्यान में कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर है, सारे फॉर्मुलेज वगैरह भी आप याद कर सकोगे। यहाँ पे अगर हम टॉपिक्स देखें तो डिस्प्लेसमेंट करंट, ईएम वेव्स के बारे में, नेचर ऑफ ईएम वेव्स, ये सारे टॉपिक्स यार कुछ मैंने बताए आपको, इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट ये चीज जरूर कर लेना। अब यार आपके जो लास्ट के दो टॉपिक्स रह गए हैं, दो चैप्टर्स रह गए हैं, वो आपका इजी, मीडियम और हार्ड कैटेगरी में आते हैं, और आप लोगों को पता ही है यार वो टॉपिक्स कौन से हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स की बात करूं, आपका टीआईआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो चीज आपको जरूर करनी है, इसके रिगार्डिंग आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। पावर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, रिफ्रेक्शन थ्रू प्रिज्म, नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू लाइट, इसके बारे में यार सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए, आई के बारे में यार एक बार जरूर पढ़ लेना, और आपका लास्ट टॉपिक टेलीस्कोप। तो ये यार आपके रे ऑप्टिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर पढ़ने हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें वेव ऑप्टिक्स में जो आपके टॉपिक्स हैं, तो यार रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन ऑफ प्लेन यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल, ये जरूर कर लेना। इनकोहेरेंट कोहेरेंट वेव्स एडिशन, ये यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको जरूर करना है। नेक्स्ट आपके कुछ टॉपिक्स देखें तो इंटरफेरेंस एंड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट और पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग रिजॉल्विंग पावर्स ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो यार ये कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको कर लोगे तो आप एक ना एक क्वेश्चन जरूर ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स से जरूर सॉल्व कर पाओगे। तो यार ये सारे मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, वैसे तो यार आपको पूरा चैप्टर जरूर रीड कर लेना चाहिए एनसीईआरटी में, बट अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है और अगर आप ये टॉपिक्स कर पाओगे तो आप आसानी से यार 60 में से 35-40 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो यार बेसिक्स वगैरह क्लियर रखना, एनसीईआरटी पढ़ लेना, आप लोग के पास अभी भी टाइम है, 10 दिन में यार आप अच्छा खासा पढ़ाई कर सकते हो, पूरा यार फोकस बना के पढ़ोगे तो अच्छी खासे यार आप स्कोर भी कर पाओगे। मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना अब यार, अगर किसी ने स्टार्ट नहीं किए हैं तो। यार यहीं पे एंड करेंगे इस वीडियो को, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन भी जल्दी से दबा दो, और यार फैला दो अपने सारे दोस्तों में जो भी कमेंट की तैयारी कर रहे हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और यार अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी जाके यार टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। तो यार चलते हैं, एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टाटा सी यू, बाय बाय।